वेलकम टू समाधान स्टमी। जैसे कि पता है गाइस आपको कि लेटेस्ट अपडेट में सबसे पहले लाता हूं आपके लिए, तो एक लेटेस्ट अपडेट लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट घोषित हो चुका है। जो प्राइवेट विद्यार्थी थे तो उनका रिजल्ट आ चुका है। आपका रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है, आपके मोबाइल पे ही आपका रिजल्ट चेक होने वाला है। तो गाइस यह रिजल्ट कहां पर दिखने वाला है, तो यह छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर दिखेगा आपको रिजल्ट। आप जो है एमपी ऑनलाइन के माध्यम से इस रिजल्ट को देख नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर जो है लिंक नहीं दे दिया है। तो यह लिंक ओनली आपको छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर मिलेगा। जैसे आप लोग गूगल पर लिखेंगे छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, तो उसमें आपको कैसा लिख करना है मैं उसकी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में, और कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, क्या क्या जो है आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट लगती है। जैसे कि रिजल्ट चेक करते तो आवेदन क्रमांक लगने वाला है, या फिर आपका रोल नंबर, या तो डेट ऑफ बर्थ। तो आपका एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हुआ था तो आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा भाई। तो पूरी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहना है इस वीडियो में, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो है इसे जल्दी से जल्दी आप लोग देख पाए और जो है अपना सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसके ऑफिशियल साइट पर आके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बीए प्राइवेट और बीए बीकॉम प्राइवेट। चलिए मैं ऑफिशियल साइट पर आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ पर रिजल्ट को आपको क्लिक करना है। चलिए रिजल्ट को जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो एक दूसरी साइट ऑन होती है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गाइस। तो आप लोग डायरेक्ट अपना रोल नंबर डालना है यहाँ पर, और जो है यहाँ पर सिलेक्ट भी करना है आपको। देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आप लोग जो है बीए रेगुलर वाले स्टूडेंट है, एलएलबी वाले, या फिर जो भी है प्राइवेट वाले स्टूडेंट है। देखिए रेगुलर सभी रेगुलर प्राइवेट दोनों के 80-80 सबका रिजल्ट आ चुका है, बट अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है, देखिए रिजल्ट से सबसे लास्ट में जाइएगा आप लोग, यहाँ पर दिख रहा है बीए प्राइवेट फर्स्ट ईयर और बीए बीकॉम प्राइवेट फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स क्लिक करना है। जैसे आप लोग चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है इंटरफेस ऑन होगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है और गेट डिटेल पर क्लिक करना है। क्या करेंगे, गेट डिटेल में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका जो है रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो जैसे ही आप रिजल्ट शो हो जाएगा आप लोग उसका प्रिंट आउट ले लेना है, या तो आप उसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो यह जानकारी आशा करता हूं आपको समझ में आ चुकी होगी। आप लोग जो है ऐसा इंटरफेस ऑन होगा तो आप लोग जो है यहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एग्जामिनेशन में आपको रिजल्ट दिखता होगा। देखिए यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है आप लोग एमपी ऑनलाइन की साइट पर आ चुके हैं, तो यहाँ से जो है आपका रिजल्ट नहीं दिखने वाला है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड घूम चुका है तो अप्लाई पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। देन उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद जो है अपना आपको रिजल्ट देखना है। ठीक है, तो जो एडमिट कार्ड जिसका नहीं होगा तो वह भी अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि सर हमारा रिजल्ट जो है नहीं दिख रहा है, तो हम उसके लिए उसका जरूर से रोल नंबर के माध्यम से, जो रोल नंबर नहीं मिलता होगा तो हम लोग जो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर के नंबर से ही उसका, देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बताता हूँ कि आपको क्या लगने वाला है। आपके पास नहीं होगा तो आपको एनरोलमेंट नंबर लगने वाला है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लगने वाली, आपको सेशन लगने वाला है, आप लोग जो है किस सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं यह लगने वाला है। देन उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, और एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर होगा, तो उस रोल नंबर के थ्रू ही आप अपना जो है रिजल्ट देख सकते हैं। तो चलिए यह जानकारी आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और आप लोग इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट आपके लाता हूँ। जैसे ही यूनिवर्सिटी की कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले मैं आप तक अवगत कराऊंगा। जैसे अभी रिजल्ट जो भी आना रुका हुआ रिजल्ट है तो वह भी जल्दी ही घोषित होने वाला है सेकेंड ईयर फाइनल वाले स्टूडेंट के लिए, तो वह भी मैं जल्दी से लाऊंगा। जब तो सबसे पहले और सबसे फास्ट अपडेट देने वाला चैनल है गाइस समाधान स्टडी, तो इसे आपको अपना प्यार बनाए रखना है, इसे शेयर करना है और नए दोस्तों को बताना है कि जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले अपडेट आती है। तो चलिए गाइस जय हिंद जय भारत। कुछ प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कीजिएगा।